ओके तो देखिए हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पढ़ा कि भाई कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, और उसके बाद उसे क्वेश्चन भी करा गया था। फिर ये भी देखा गया था कि कोई फंक्शन जो आपका पीस वाइज डिफाइंड है तो उसको आपको चेक करना है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर उसका नेचर चेंज हो रहा है उस पर कॉन्टिन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर के लिए LHD और RHD निकाले थे। तो मतलब ये हम लोग देखे थे कि अगर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है फंक्शन डिफाइंड है तो हमने अगर जहाँ पर उस फंक्शन का नेचर बदल रहा है उस पर हमने चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था, वही तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का था, उसी से निकाला था जो आया था आपका लैटिन डेरिवेटिव और आइगन डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा तो गैर फंक्शन डेरिवेबल है सिंपल, ठीक है। चलिए वो सब हो गया, क्वेश्चन भी कर लिया मुझे। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस थ्योरम का हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में भी। तो क्या है थ्योरम? थ्योरम ये कहता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस बिल्कुल होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो ही जाएगा। कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो ही जाएगा जरूरी नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वही बात यहाँ पर बोला गया है कन्वर्स पार्ट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये जो कन्वर्स पार्ट है इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि कह रहा है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हम कोई एक ऐसा पेक्यूलियर एग्जाम्पल चूज कर लेंगे जिस एग्जाम्पल के लिए हम ये दिखा देंगे कि हाँ भाई देखो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है बट यह डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, यह एक पर्टिकुलर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या अब आप बोल पाएंगे कि हाँ भैया हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने एक फंक्शन ऐसा खोज लिया जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, और ये पार्ट हम करेंगे नहीं, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में करा चुके हैं, ठीक है। अभी उस पर आकर वापस बात करते हैं, पहले हम ये बात देखें कि आखिर क्यों हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, आखिर क्यों, इस बात को देखते हैं। तो चलिए लेट y इक्वल टू f(x) बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक और बात, किस फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल फंक्शन कहोगे? अभी लास्ट क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट, तो किस फंक्शन को बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन? जो फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो वो फंक्शन कहलाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब पूरी तरह से डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाएगा, कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा है उसका डोमेन का जहां पर वह डिफरेंशिएबल नहीं है, अतः वह डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है। जैसे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम लोग कहा करते थे कि जो फंक्शन हर पॉइंट पर अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वैसे ही यहां पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बात नहीं। तो y इक्वल टू f(x) डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो मान लेते हैं कि हमारे डोमेन f(x) है हमारा, तो f का कुछ डोमेन होगा, उस डोमेन का कोई एक पॉइंट c पिक कर लेते हैं, लेट्स सी ग्राफ टू डीएफ ये पॉइंट, चूंकि हम ये माने हुए कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यह पॉइंट c पर भी डिफरेंशिएबल पक्का हुआ होगा, ओके। तो जब c पर यह डिफरेंशिएबल है तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो होल्ड हुआ होगा, मतलब क्या कि f(x) - fc / x - c का लिमिट c पर पक्का एग्जिस्ट किया होगा, और उसकी वैल्यू को किस बात से डिनोट किया गया होगा, f(c) से डिनोट किया गया होगा, अच्छा हां। तो यहां पर ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या कि दिस इंप्लाइज f(c) इक्वल टू, अब यहां देखो हमने क्या किया है, ये ऊपर प्रोग्राम समझ लेते हैं f(x), नीचे को समझ लेते हैं g(x), ये कंप्लीट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने लिमिट की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर दिया, लिमिट f(x) / लिमिट g(x), लिमिट f / g क्या होता है, लिमिट f / लिमिट g, तो लिमिट f / लिमिट g, ओके। अब हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है f(c) * दिस वन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस वन, ये लिया है हम ब्रैकेट लगाना भूल गए, ठीक है ब्रैकेट है। अब हमने यहां पर लिमिट अप्लाई कर दिया है, लिमिट को अप्लाई करेंगे यहां पर तो x को c पुट करेंगे आप c - c 0 ये हो गया f(c) = 0 =
इक्वल टू लिमिट x, यहां पर हम क्या कर दिया है, लिमिट अप्लाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि x स्क्वायर में कोई आइडिया नहीं है। इसलिए तो ठीक है, काम कर सकते हैं ना हम लिमिट की, अगेन एक प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिमिट ऑफ f माइनस g क्या होता है, लिमिट f माइनस लिमिट g, तो लिमिट ऑफ f माइनस लिमिट ऑफ, इसको समझ लेते हैं दिमाग में g, तो लिमिट ऑफ g ओके। अब यहां देखो जीरो इधर क्या हो गया, जीरो ये जीरो हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग c f(x) और माइनस इसमें जहां जहां x दिखाई दे रहा हो यहां पर उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, कहीं दिख ही नहीं रहा है तो आपसे फाइनली क्या है fc आ गया, वही fc जो माइनस साइन के साथ है उसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया है, तो हमने पाया लिमिट x अप्रोचिंग c ऑफ द फंक्शन f(x) विल बी इक्वल टू f ऑफ c। तो इस प्रकार की बात होगी, मतलब क्या कि फंक्शन f(x) का लिमिट c पर कितना आ रहा है, fc आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन f(x) क्या है, कंटीन्यूअस है c पर। This implies f of x is continuous function. क्यों? क्योंकि c कौन सा पॉइंट था? डोमेन का कोई एक आर्बिट्री पॉइंट था, कोई भी एक रैंडम पॉइंट था। अब हमारा फंक्शन जो है रैंडम पॉइंट c पर कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन बन गया। ओके, तो वही बात जो स्टार्ट में बोले ना, कन्वर्स पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम एक काउंटर एग्जांपल लेकर चलेंगे। तो हमने यही बात यहां पर किया है, फॉर कन्वर्स पार्ट लेट्स टेक अ काउंटर एग्जांपल। हम लोगों ने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं था जीरो पर, जीरो पर इसका नेचर बदलता है, ऐसे जब बढ़ेगा ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ये जीरो होता है आपका, यहां पर इसका नेचर बदलता है, तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, इसका डोमेन का एक पॉइंट है ना जीरो, तो जीरो पे नहीं डिफरेंशिएबल प्लस इसको बोल नहीं पाया कि आप फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बस एग्जांपल है, ये हम कराए हुए हैं। तो बस आप क्या करो, मॉड एक्स को कॉन्टिन्यूस दिखा दो, या को करना पड़ेगा या हम छोड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस दिखा दो ठीक है। अच्छा डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, मॉडस फंक्शन की कहां पे चेक कर लो, जहां पर इसका नेचर बदल रहा है जीरो पर चेक कर लो, चेक करो तो पाओगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन एंड राइट हैंड डेरिवेटिव पाओगे प्लस वन, तो कहो कि ये दोनों बराबर है, नहीं तो नॉट डिफरेंशियबल, सो द रिजल्ट हमारा बात हो गया। अब कुछ एक जो क्वेश्चन हम करेंगे इसको, इस पर इसके बाद चालू करेंगे डिफरेंशिएशन ठीक है।